अभी हमने गति को आलेख में किस प्रकार दिखाना इसके बारे में जाना। चलिए अब आलेख के आधार पर समीकरण किस प्रकार लिखा जाए ये समझने की कोशिश करते हैं। ये समीकरण तभी वैध माने जाएंगे जब त्वरण स्थिर हो और गति सीधी रेखा के रूप में सीमित हो। इन समीकरणों का किसी भी वस्तु के गति के वर्णन के लिए उपयोग किया जाता है। ये गति तीन गति जचरों के माध्यम से बताई जाती है, वेग v, स्थिति s और समय t। हम तीन प्रकार से इनकी जोड़ियां बना सकते हैं, वेग समय, स्थिति समय, वेग स्थिति। इस क्रम में उन्हें हमेशा गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण कहा जाता है। गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध सरल प्रकृति का होता है। एक रेखीय त्वरण के समय गति सीधी रेखा में होती है। अगर त्वरण अधिक समय के लिए हो तो वेग में भी अधिक परिवर्तन आता है। जब त्वरण स्थिर होता है तब वेग में परिवर्तन समय के साथ सानुपात में होता है। अगर वस्तु किसी निश्चित वेग से आरंभ करती है तब उसका नया वेग, पुराना वेग और ये बदला हुआ वेग को जोड़कर होता है। हम त्वरण को समय के साथ वेग में आए परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। वो वेग समय के आलेख पर रेखा के ढलान के माध्यम से दर्शाया जाता है। यू कार का प्रारंभिक वेग है, वी कार का अंतिम वेग है। वेग में परिवर्तन अर्थात वी को यू में से घटाना समय में परिवर्तन टी। हम रेखा के ढलान को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, समय को वेग के परिवर्तन से भाग देना। इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर हमें गति का प्रथम समीकरण प्राप्त होगा। अंतिम वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग अधिक त्वरण गुणा समय। गति का द्वितीय समीकरण किसी भी चलती हुई वस्तु का विस्थापन वेग और समय के साथ सानुपात में होता है। जल्दी जाना, दूर तक जाना या लंबे समय तक जाना, ये आलेख में छायांकित क्षेत्र के बराबर होता है। छायांकित क्षेत्र आयत और त्रिकोण का कुल जोड़ है। आयत का क्षेत्रफल u गुणा t है, अर्थात प्रारंभिक वेग गुणा समय है। त्रिकोण का क्षेत्रफल वेग परिवर्तन और समय को आधा करके उसका फल है। हमारे प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि त्वरण अंतिम और प्रारंभिक वेग और समय के बीच के अंतर जितना होता है। इन सभी बातों का अंतर्भाव अपने समीकरण में करने के उपरांत हमें अंतर की गणना करने के लिए आवश्यक समीकरण प्राप्त होगा। S बराबर U गुणा T अधिक त्वरण का आधा गुणा समय का वर्ग, ये द्वितीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण गति के प्रथम दो समीकरणों में हर एक समीकरण द्वारा एक ही गतिज चर का वर्णन किया गया है और वो है समय का कार्य। जब त्वरण स्थिर होता है तब वेग समय के सानुपात में होता है। V is inversely variable to T। जब त्वरण स्थिर होता है तब विस्थापन समय के वर्ग के अनुपात में होता है। इन दोनों विधानों को अगर हम एक साथ रखें तो हमें तृतीय विधान प्राप्त होगा जो समय इस गतिज चर से स्वतंत्र रहेगा। जब त्वरण स्थिर होता है तब विस्थापन वेग के वर्ग के अनुपात में होता है। यह विधान खासकर सुरक्षित वाहन चलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब हमारी कार दुगने गति से चलती है तब रुकने के लिए उसे चौगुने अंतर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब कार तिगुने गति में है तब उसे रुकने के लिए नौगुने अंतर की आवश्यकता होगी। चलिए इस समीकरण को आलेख के आधार पर पाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तय की हुई दूरी को छायांकित क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है। समलंब का क्षेत्रफल समांतर बाजुओं के योग और उन दोनों रेखाओं के बीच के अंतर के फल का आधा है। हम गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे और फिर टी के स्थान पर बराबर मूल्य रखेंगे। इससे हमें गति का तृतीय समीकरण प्राप्त होगा। वी का वर्ग इज इक्वल टू यू का वर्ग अधिक दो गुणा त्वरण गुणा अंतर। वी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, एस अंतर या फिर विस्थापन है। सारांश, हमने आलेख पद्धति द्वारा गति के समीकरण किस प्रकार निकलते हैं ये समझा। आप भी इस प्रकार के आलेखों का उपयोग कर गति के आलेखीय रूप का अभ्यास कर सकते हैं। चुनौती स्वीकार करें। एक व्यक्ति अपनी बाइक को रुकी स्थिति में 10 सेकंडों में त्वरित गति में ले जाता है।
जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बताना है कि वो व्यक्ति 10 सेकंडों में कितना अंतर जाएगा।